हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड पॉइंट। मैं सज्जन सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एलसीएम, एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में इसके एक न एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोग बताऊंगा कि एलसीएम का पूरा बेसिक, एलसीएम है क्या, एलसीएम कितने प्रकार से निकाला जा सकता है, और इसके निकालने के लास्ट में वीडियो के लास्ट में ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको बिल्कुल मुझबानी लगेंगे। मुझबानी मतलब कोई भी देखेंगे आप तुरंत उसका एलसीएम, पेन भी नहीं उठाएंगे, तुरंत एलसीएम निकाल देंगे। और एलसीएम कितने तरीके से पूछा जाता है, उसके सवाल बेसिक क्वेश्चन की एलसीएम निकालने को, वो सब मैं बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। क्लियर करूंगा एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे आप जिसका भी एग्जाम दे रहे हो, आपको जरूर से जरूर एलसीएम का अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप बिना पेन उठाए ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता क्या है, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप अगर मुझे बोलें कि भैया मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, क्या होता है गुणज। चलिए अब बात करते हैं कि एलसीएम हम इस डिफिनीशन के हिसाब से हम कैसे एलसीएम को समझ सकते हैं। आप कोई भी दो संख्या लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया एक, मैंने ले लिया 8 और एक मैंने ले लिया 6, कह दिया जिसका एलसीएम बताइए। अब मैं आपको इसकी डिफिनीशन इसके थ्रू बता रहा हूं, कोई भी दो संख्या के थ्रू बता रहा हूं, आप समझिए। चलिए एक एक टुकड़े को मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिसे बोला गया मल्टीपल, तो अगर मैं 8 का गुणज लिख दूं, 8 और 6 का, तो देखिए 8 का गुणज मतलब पहाड़, 8, 16, 24, 32, 40, 48 और 56, 64 डॉट 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 डॉट। 6 का अगर मैं गुणज लिखूं तो देखिए 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए आप समझिए मल्टीपल यानी गुणज। अब देखिए हमने 8 और 6 का तो गुणज लिख दिया, अब उसके पहले है कॉमन। तो आप मुझे बताइए 8 और 16 के जो गुणज लिखे गए इसमें आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है। देखिए 24 दिख रहा है और आपको 48 दिख रहा है, हमने ले लिया 24 और 48, यानी इनके गुणज में दो हमको कॉमन मिल गए 24 और 48। ढेर सारे कॉमन है लेकिन हमने इतना ही लिखा तो हमको इसमें दो कॉमन मिले 24 और 48। और इसके पहले लिखा है लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब मिनिमम। अब आप मुझे बताइए जो कॉमन लिया गया 24 और 48 उसमें मिनिमम कौन संख्या है, 24 है, कौन सी संख्या है 24। तो यही हो गई 8 और 6 एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम। यानी एलसीएम मेरे भाई ऐसी संख्या होती है, ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है जो कोई भी दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है, वो हम क्या कहलाते हैं एलसीएम या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है कि नहीं है। तो देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए कि लो एलसीएम क्या है। अब हम बात करते हैं एलसीएम निकालने के तरीके, कितने तरीके से एलसीएम निकाला जा सकता है। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़े भी हैं बहुत तरीके एलसीएम निकालने के, आप वो सब समझिए। मैं आपको चार तरीके बता रहा हूं, चार पांच तरीके बता रहा हूं, जो आपको बेटर लगे आप वही लीजिए। चलिए पहले बेसिक दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, कब पढ़े हैं, छोटी क्लासों में। पहला मेथड होता है एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब देखिए इधर प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, मान लीजिए दो कोई संख्या ले लीजिए 8 और 6, हमने छोटी संख्या लेते हैं, आप इनका अलग अलग से गुणनखंड करिए। चलिए हमने 8 का किया, आप मुझे बताइए 4 बार गया, 2 बार गया, 2 एक बार गया, तो 8 का बेटा गुणनखंड क्या आ गया 2 × 2 × 2। 6 का करिए 3 और 3 बन जा, 6 का क्या आ गया बेटा 2 × 3। अगर हम बात करें इसका एलसीएम इस मेथड से, तो एलसीएम में क्या है कि जो कॉमन मिले गुणनखंड में उसको तो लेते ही लेते हैं, और जो कॉमन ना मिले उसको भी ले लेते हैं। तो अगर ये देखिए तीनों संख्याएं कॉमन नहीं मिली है 2 × 2 × 3,
तो आप इसका करिए, 2 दुने 4 दुने 8 तिक्का 24, तो बताइए हमारा एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। तो ये मेथड हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं जब 6 7 8 में थे। चलिए अगला एक मेथड, ये भी हम छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, डिवीजन मेथड क्या होता है। जैसे मान लीजिए 8 और 6 जितने भी संख्या दी हो आप उसका एक साथ गुणनखंड करिए। देखिए 4 बार गया 3 बार गया, आप क्या करिए 4 से सीधा करिए, ये देखिए, और देखिए एक बार 3 से कर दीजिए। तो देखिए हमारा अगर जो गुणनखंड आया क्या आया, 2 × 4 × 3, गुणा कराइए 4 × 8 = 24, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24। तो देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टर मेथड या डिवीजन मेथड हम छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, इनसे हमको एलसीएम नहीं निकालना, इनसे निकालेंगे बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैं आपको दो तरीके ऐसे बताता हूं कि जो दो तरीके में आपको जो बेटर लगे आप उसको अपना लीजिएगा, और मुझबानी एलसीएम निकालेंगे, चुटकी बजा के एलसीएम निकालेंगे, आप समझिए कैसे। अब देखिए वो जो दो तरीके हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया संख्या, हमने लिया 8 और 16 और 64, कह दिया जाए इनका एलसीएम बताइए, क्या बताइए एलसीएम। आप कुछ ना करिए, आपकी नजर में जो सबसे बड़ी संख्या आप उसको एलसीएम मान लीजिए, मान लिए, चलिए मान लिए हमने मान लिया 64। अब आप ये देखिए उसके अलावा जो भी संख्याएं हैं, जैसे 8 है, 8 इसको डिवाइड करता है नहीं, 8 8 64 कर रहा था, कट हो गया। फिर देखिए 16 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 16 चौक 64 है, कट कर दिया, तो हमारा एलसीएम क्या बन गया, 64। देखिए मुझबानी तरीका है कि नहीं। आप मान लीजिए ले लिए 24 48 और 144 है कि नहीं, हम कह दे इसमें एलसीएम बताइए, जो बड़ी संख्या आप उसको मान लीजिए, मान लिए कि हमने ये एलसीएम है। अब आप देखिए क्या 24 को डिवाइड करता है, आप देखिए 24 छक्का कितना होता है, 144 डिवाइड करता है। देखिए 48 को डिवाइड करता है तो 48 टिक्का क्या होता है, 144 डिवाइड करता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 144। देखिए मुझबानी बिल्कुल है कि नहीं। आप ले लीजिए जैसे मान लिया हमने दे दिया 12 48 और 24, इसमें सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए 24, इनका एलसीएम निकालना, तो सबसे बड़ी संख्या 48 हमने मान लिया, 48 क्या है इसका एलसीएम है। अब आप ये देखिए क्या 12 इसको डिवाइड कर रहा, हाँ कर रहा, 12 चौक 48 कैंसिल, 24 इसको डिवाइड कर रहा, 24 दुनिया 48, हाँ कर रहा कैंसिल, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 48 हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी आप संख्या लीजिए, आपके मन में जो भी संख्या आ जाए, आप देखिए ये बिल्कुल ओरल तरीका है। मैंने ले लिया 12 36 और मान ले लिए मैंने ले लिया 28, क्या ले लिया, 28। अब आप समझिए इसको अच्छे से, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 36। चलो हमने मान लिया कि हमारा एलसीएम है 36। आप देखिए 12 तिक्का 36 ये इसको डिवाइड कर रहा, चलिए कट हो गया, लेकिन क्या 28 इसको डिवाइड कर रहा। अब आप ये समझिए क्या 28 इसको डिवाइड कर रहा, नहीं, आप कहेंगे नहीं 28 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। अच्छा 28 इसको डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, आप समझिए 28 को अगर हम टुकड़ा करें तो देखिए 4 × 7 4 7 कितना होता 28, तो 4 देखिए 4 नहीं है 36, इसको 4 तो डिवाइड कर रहा, तो 4 कैंसिल हो गया, लेकिन 7 इसको डिवाइड कर नहीं रहा है, तो आप देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 36 तो है ही है, इसमें 7 का आप क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, तो गुणा कराइए 6 × 42 2 4 = 27 21 4 कितना बेटा 25, तो ये हमारा हो गया एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम है। अचूक तरीका, कोई भी ले लीजिए, कोई भी आपके मन में जो भी कोष को आए संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लिए 18 36 और मान लीजिए आपने ले लिया 56, क्या ले लिया 56, कहिए इसका एलसीएम बताइए। चलिए आप मान लीजिए हमने ले लिया 56, हमने मान लिया 56 हमारा एलसीएम, अब आप देखिए क्या 18 इसको डिवाइड कर रहा, देखिए
18 चौक 18 तिक्का 54, इसको डिवाइड नहीं कर रहा, क्यों नहीं डिवाइड कर रहा? अगर देखिए 18 दुनी 8 क्या होता है, 18 होता है, तो देखिए 2 इसको डिवाइड कर रहा है, कट हो गया, 9 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, चलिए हमने 9 को गुणा करा दिया, क्लियर हो गया। अब देखिए 36 पे आइए, क्या 36 इसको डिवाइड कर रहा है? नहीं। आप देखिए 36 को दो टुकड़े में बांट सकते हैं, 4 और 9, 9 चौको 36। आप देखिए 4 इसको डिवाइड कर रहा है, देखिए 4 एक के 4, 4 चौक 16 कर रहा, 9 इसको डिवाइड कर रहा है, तो देखिए दोनों संख्याएं इनको कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो हमारा जो भी एलसीएम होगा इसका गुणा होगा 9 छंग 54 की 4, 9 पन्ने 45, 5 कितना 50, हमारा एलसीएम क्या हो गया 504 हो गया कि नहीं होगा? कोई भी संख्या आप लीजिए, आपके मन में जो भी संख्या कहे आप बिल्कुल ओरल तरीके से लगा सकते हैं। हमने ले लिया 33 और हमने ले लिया मान लीजिए 34, कह दीजिए इसका एलसीएम बताइए, क्या बताइए एलसीएम? तो देखिए हमने ले लिया, हमने मान लिया एलसीएम हमारा 34 है, बड़ी संख्या हमने ले लिया 34 है कि नहीं, चलिए क्या 11 इसको डिवाइड कर रहा, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? 11 एक के 11 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 11 से इसका गुणा करा दीजिए। देखिए 33 इसको डिवाइड कर रहा, देखिए 33 से अगर हम भाग देंगे तो 33 को देखो दो पकड़ो पार में बांट लो, 3 और 11 में देखिए 11 तो डिवाइड कर जाएगा लेकिन 3 इसको डिवाइड कर नहीं रहा, तो 3 को और गुणा करा दीजिए, तो देखिए 34 गुणे 11 तिक्का 33, तो इसका जो भी गुणनफल आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम है कि नहीं। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप समझिए कोई भी एग्जांपल लीजिए, आपके जो दिल में कहे, मान लीजिए 16 80 और 160। अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 160, तो देखिए क्या इसको 16 डिवाइड कर रहा, 16 दहम में 160 कर रहा, 80 दुना 160 कर रहा, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 160। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों अपना तरीका, बिल्कुल ओरल तरीका कि आप देखिए सवाल जैसे नॉर्मल आ गया आप मुझबानी कर सकते हैं, पेन भी नहीं आपको उठाना पड़ेगा। अब बात हो गई कि भाई एलसीएम निकालने के ये तरीके होते हैं, बेसिक तरीके। अब बात करते हैं कि भाई एलसीएम से जो नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं। देखिए आप, हमने कह दिया पहला सवाल, आप सोच लीजिए, चलिए मैं बेसिक क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। हमने कह दिया 12 36 और 72 का एलसीएम बताइए, क्या बताइए एलसीएम, तो आप कुछ ना करिए ओरल, 72 बड़ी संख्या है, देखिए 12 इसको डिवाइड कर रहा, 12 छंग 72 कर रहा, 12 कट हुए, देखिए 36 36 गुना 72 कट कर रहा, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया, कितना हो गया, 72 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, हम कह दें, हम अगर बात कर दें कि भाई 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 6 का एलसीएम बताइए, का एलसीएम बताइए, तो आप मुझे बताइए अगर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6 का एलसीएम बताइए, तो आप ये समझ लीजिए जब संख्या के ऊपर पावर दी जाती है, क्या दी जाती है, पावर, तो आप एलसीएम में ट्रिक याद रखिए एलसीएम निकालने में कि जिसकी पावर क्या रहती है ज्यादा, जिसकी पावर क्या रहती है ज्यादा, वही हमेशा एलसीएम होता है, क्या होता है एलसीएम। अब आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 6 किस मतलब किसकी पावर ज्यादा, 6 की, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 2 की पावर 6, क्या हो गया, 2 की पावर 6 आंसर आ गया। अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम कह दे 3 की पावर 2 3 की पावर 6 3 की पावर 8 और 3 की पावर 12 का एलसीएम बताइए, क्या बताइए, एलसीएम बताइए, तो जिस किसकी पावर ज्यादा है 12, तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, एक छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम कह दे 6 की पावर 2 6 की पावर 3 6 की पावर 4 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, हम कह दे इसका एलसीएम बताइए, क्या बताइए एलसीएम। आप देखिए इसमें दो संख्या 6 भी और 5 भी, तो 6 में देखिए सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 4 की, तो 6 की पावर 4 गुणा लगा दीजिए। 5 में देखिए किसकी पावर ज्यादा है, 4, तो
तो 5 की पावर 4। अब इसको हल कर लीजिए, इसी के रूम में दिया होगा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम, है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए हम बोल दे 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5 का एलसीएम बताइए। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी का है, पूछा गया है, जो छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो आप समझिए 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5 का एलसीएम आप बताइए। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हमको इसका एलसीएम बताना है तो आप क्या करिए? सबसे पहले जब पावर निगेटिव दी हो, जब पावर किस में दी हो, निगेटिव दी है, तो जो माइनस में क्या होता है कि जो संख्या छोटी होती है, जैसे -2 और -5 में मैं कह दूं कौन सी संख्या बड़ी है, तो -2 संख्या क्या है, बड़ी है। माइनस में जो संख्या छोटी है वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है, और माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे संख्या क्या मानी जाती, छोटी मानी जाती है। तो आप मुझे बताइए -2 और -5 में सबसे बड़ा कौन है, -2। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 2 की पावर -2। अगर मैं बात करूं 7 की पावर -4, 7 की पावर -6, 7 की पावर -9, कह दीजिए इसका एलसीएम बताइए, तो सबसे छोटा कौन है, 4। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 7 की पावर -4, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम, है कि नहीं? तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, जब पावर पॉजिटिव दी हो तो जो सबसे ज्यादा संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, और जब पावर निगेटिव दी हो तो जो सबसे छोटी नंबर तुमको पावर में दिखे वो हमारा क्या हो गया, एलसीएम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एलसीएम चैप्टर का पहला पार्ट का वीडियो था। इसमें मैंने आपको बताया एलसीएम है क्या, एलसीएम के निकालने के तरीके, बेसिक तरीके, और एलसीएम के कुछ सवाल। अगले वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा कि एलसीएम के जो सवाल पूछे जाते हैं, 3-4 तरीके के जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, जो भी सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो कि भाई एलसीएम हम बिल्कुल मुझबानी निकालना सीख गए, तो आप जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।